स्पेन के बार्सिलोना में चल रहे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के प्री इवेंट के दौरान लिनोवो ने अपने पॉपुलर मोबाइल सीरीज मोटो जी के दो नए स्मार्टफोन मोटो जी 5 और मोटो जी 5 प्लस लॉन्च कर दिए हैं। ये दोनों स्मार्टफोन एंड्रॉइड 7.0 नुगट को सपोर्ट करते हैं और ये दोनों स्मार्टफोन एक दूसरे से अलग सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इसमें प्रोसेसर अलग हैं और इसके रैम वेरिएंट और मेमोरी वेरिएंट अलग अलग होंगे। मोटो जी 5 में 5 इंच की HD स्क्रीन दी गई है और इसके दो वेरिएंट होंगे। मोटो जी 5 प्लस में 5.2 इंच की फुल HD डिस्प्ले दी गई है और इसके भी दो वेरिएंट होंगे। दोनों स्मार्टफोन टर्बो पावर चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, यानी आधे घंटे में आपकी बैटरी इतनी चार्ज हो जाएगी कि आप पूरे दिन इन्हें चला सकें। इनके नए कलर वेरिएंट्स भी आए हैं और देखने में ये मोटो जी 4 से काफी अलग लगते हैं या फिर कह सकते हैं कि उससे बेहतर लगते हैं। इसका कैमरा मॉड्यूल पहले से बदल दिया गया है और अब राउंड शेप में दिया गया है। मोटो जी 5 की बैटरी तो 2800 mAh की है लेकिन मोटो जी 5 प्लस में बड़ी बैटरी दी गई है, इसमें 3000 mAh की बैटरी है। हमेशा की तरह मोटोरोला ने इन्हें मिड रेंज बजट स्मार्टफोन ही रखा है। अगले महीने ये दोनों स्मार्टफोन भारत में भी लॉन्च किए जा सकते हैं।